नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप मिलियंस की बातें कर रहे हैं, बिलियंस की बातें कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉल इंडस्ट्री जो एक बंदा अपनी कंपनी का रेवेन्यू 20-30 लाख पाकिस्तानी रुपीज रखता है, उसके लिए आपके सजेशन क्या है? रियाज, आपका जो क्वेश्चन है कि एक एंटरप्रेन्योर उसका अभी स्मॉल यानी एसएमई अभी स्टार्टअप है या छोटा बिजनेस है, 20-30 लाख वो कमा रहा है महीने का, तो वो उसको कैसे वो इंस्पिरेशन कहाँ से ले? देखिए, मैं एज आई सेड कि बोल्ड हूँ यार, इलोन मस्क भी बंदा इंसान है एक, अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, पहले तो विजन बड़ा करो। जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आप बेशक अपने मोहल्ले से शुरू करो, फिर आप अपने शहर तक जाते हो, फिर आप अपने नेशनल बिजनेस बनाते हो, फिर इंटरनेशनल बनाते हो, तो ये उसका एक पूरा क्राइटेरिया होता है। तो कुछ बेसिक्स बेसिक असूल हैं कि बिजनेस आपने, अगर एक बिजनेस में पोटेंशियल है कि वो $1 बिलियन की कंपनी बन सकती है, आई डोंट नो कि पाकिस्तान में ज्यादा क्यों नहीं बनती। यूनिकॉर्न्स देखें, इंडिया में हर दूसरे दिन जो है ना एक यूनिकॉर्न बन रहा होता है, हमारा बहुत मुश्किल, क्योंकि मेरे ख्याल में विजन की कमी है। एक तो विजन, बेसिक अपने आप पे टाइम स्पेंड करें, बड़े बड़े जो दुनिया में लोग हैं, ये आरिफ साहब बहुत जबरदस्त किस्म के हमारे रोल मॉडल हैं, इनको देखें कि लोग आगे कैसे बढ़े, और एक टारगेट सेट कर लें कि यार मैंने इसको नेशनल इंटरनेशनल बिजनेस बनाना है। तो फिर जब आप उसमें एक टारगेट सेट कर लेते हो, अल्लाह ताला की जात ऐसी है कि यार अनलिमिटेड उसके खजाने हैं, तो वो खुद रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। फिर हार्ड वर्क है, ये सारी चीजें करें, कनेक्टेड हों नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो सिंपल यार मार्केटिंग की चीजें हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, डिपेंड करता है बिजनेस कौन सा है, लेकिन आप एक टारगेट बनाएं, उसके पीछे पागलों की तरह लग पड़े, जुनूनी होना पड़ेगा, खुद ब खुद रास्ते जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो आरिफ साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। जी बिल्कुल, आई थिंक मैं मेरे जो एक्सपीरियंस में ये यंग लोगों के लिए जो है वो ये एडवाइस है कि वो आई थिंक जो हम इसको कहते हैं कि प्रोफेशनल एंड एंटरप्रेन्योर्स की पार्टनरशिप जो है, देखिए जो यंग लोग होते हैं उनमें आइडियाज भी होते हैं और उनमें एनर्जी भी होती है, और जो जो वेल्दी लोग हैं इनके पास फंड्स होती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली होती है। तो बहुत सारे जो वेल्दी लोग हैं उनको जो है वो आइडियाज चाहिए होते हैं और उसका एग्जीक्यूशनर चाहिए होता है कि जो उसको डेवलप करे। तो हमने कुछ हमारे बिजनेसेस इस मॉडल पे डेवलप किए हैं कि वी आइडेंटिफाइड प्रोफेशनल और उसको ये कहा कि भाई आप इसको डेवलप करें, सारी रिस्क टेकिंग जो है वो हम करेंगे एज एंटरप्रेन्योर, और आप उसको मॉनिटर भी करेंगे और फिर आपको इसके अंदर एक वर्किंग पार्टनरशिप जो है वो देंगे। तो बहुत सारे इस प्रोसेस में दे हैव बीन सक्सेसफुल एंड दे हैव मेड लॉट ऑफ मनी थ्रू दिस एक्सरसाइज। तो जो ये इसमें भी बात होती है कि भाई जो एसएमईज हैं, एसएमईज को भी जो है वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे ये बात होती है कि भाई इनको आप इवेल्यूएट करें, तो वो आके अपनी अपनी सब आइडियाज जो है वो ये शेयर करते हैं, और फिर उसमें कुछ वो एंटरप्रेन्योर्स को बिठाते हैं कि भाई आप उनकी जिनकी आइडियाज को आप पसंद करते हैं उनको आप ड्यू डिलीजेंस करके देन यू पुट इन सम इन्वेस्टमेंट विद देम, और इस तरह उनको जो है वो डेवलप करें। तो आई थिंक अगर पाकिस्तान के केस में ये एक मॉडल भी जो है वो सक्सेसफुल जो है वो हो सकता है। सो फार हमारे एक्सपीरियंस में ये काफी अच्छा रहा है।